नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रवेश प्रारंभ। पद्मश्री पब्लिक स्कूल कक्षा 1 से 10 तक CBSE पैटर्न पर आधारित। हमारी विशेषताएं सर्व सुविधा युक्त क्लासरूम, सुयोग्य व अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ बड़ा कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक कंप्यूटर द्वारा प्रोजेक्ट वर्क, अन्य गतिविधि में खेलकूद, प्रशिक्षित स्पोर्ट्स टीचर, स्पेशल क्लासेस फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पता: पद्मश्री पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, बोदाबाग, रीवा। संपर्क 7747078477। रीवा में शर्मसार होती मानवता। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। शर्मसार होती मानवता, जिसका कोई नहीं उसका प्रशासन भी नहीं है यारों। दो दिन से पुल के नीचे पड़ी लाश जानवर कर रहे हैं विचरण, जानकारी के बाद भी प्रशासन ने बंद की आँख। आइए बात करते हैं हमारे रीवा संभाग ब्यूनरो से और जानते हैं पूरी घटना के बारे में। आप सभी को नमस्कार। रीवा संभागीय ब्यूरो राजीव तिवारी की तरफ से हमारे समस्त व्यूअर्स को सादर नमस्कार, सबका अभिनंदन करता हूँ। मान्यवर, आपको बताना चाहूँगा, ये मामला रीवा जिले के छोटी पुल के पास पड़ी हुई एक लावारिस लाश का है। लाश को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है आज इंसान की ज़िंदगी की कीमत क्या है। इसका सीधा साधा उदाहरण आपको देखने को छोटी पुल के नीचे मिल रहा है, जिसके आसपास जानवरों को विचरण करते भी देखा जा रहा है। लेकिन इंसान है कि इंसान के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में सो रहा है। बताया जा रहा है कि दो दिन से विक्षिप्त व्यक्ति वहां पड़ा हुआ है। उसने कब दम तोड़ दिया है और क्यों, इस बात की जानकारी लेने के लिए ना तो प्रशासन ने सहमत उठाई और ना ही नगर निगम ने। स्थानीय लोगों की माने तो बीते दिवस 10 बजे के करीब यह व्यक्ति पुल के नीचे आया और वहीं उसने दम तोड़ दिया। हालांकि इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा नगर निगम प्रशासन को भी दी गई थी, लेकिन किसी ने भी इसका हाल जानने का प्रयास नहीं किया है। आज रीवा के छोटी पुल के नीचे देखने वाला यह दृश्य मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं पर सीधा तमाचा है। यह इसलिए क्योंकि गरीबों को मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन देने का वादा है, लेकिन असली गरीब आज की भूख से तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहा है। जैसा कि आप दृश्य में देख पा रहे हैं कि दो दिन से पड़ी लाश के आसपास जानवर भी विचरण कर रहे हैं और लोग भी, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुली। शायद वह किसी अन्य योजना में अपना लाभ तलाश रहा है। हद तो तब हो गई जब मृतक के शव से बदबू आने लगी। स्थानीय लोगों को आपत्ति हुई, तब प्रशासन के कुछ कर्मचारी वहां पहुंचे। मुमकिन है इतने समय में तो लोग जानवरों के शव को भी उठाने के लिए आंदोलनरत हो जाते हैं। फिर तो यह एक मनुष्य है, भले ही उसे मरने के बाद भी जानवर से कम सम्मान दिया गया। बात करते हैं हमारे रीवा संभाग ब्यूनरो से और जानते हैं पूरी घटना के बारे में। बहुत ही शर्मनाक है और सिस्टम के मुंह पर यह सीधा तमाचा है। सिस्टम की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं धरातल स्तर पर, उन योजनाओं का कितना क्रियान्वयन हो रहा है, इस तस्वीर से आप स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं। देश के मुखिया और प्रदेश के मुखिया दोनों का हमेशा एक ही राग अलापा जाता है दोनों के द्वारा, कि हम देश की गरीबी दूर करेंगे, देश को गरीबी मुक्त बनाएंगे। जबकि देखने को जमीनी स्तर पर ऐसा मिल रहा है कि देश की गरीबी तो दूर की बात है, देश का गरीब मर रहा है और उसकी लाश तक दफनाने के लिए प्रशासन के पास ना तो समय है, ना तो रुपया है, ना तो कोई व्यवस्था है और ना तो दवाई है। कितना गंभीर और कितना बड़ा मामला है ये, मान्यवर आप लोग देख सकते हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से, हमारे सभी दर्शकों के माध्यम से, प्रशासन से ये अपील करूंगा कि मानवता को शर्मसार करना इस तरह से कतई उचित नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जानवर की मृत्यु होती है तब भी ऐसा नहीं होता। जानवर की लाश को भी दफनाने के लिए प्रशासन एड़ी चोटी की ताकत लगा के और उस लाश को बदबू आने से पूर्व दफना दिया जाता है, लेकिन यहाँ दुर्भाग्य इस मरे हुए व्यक्ति का है कि
इसे मौत के बाद भी जानवर से कम सम्मान मिल रहा है। अत्यंत दुखद लोमहर्षक तस्वीरें हैं ये, इंसान को सोचने पर मजबूर करने वाली तस्वीरें आपको दिख रही हैं, जहां पर एक मरा हुआ व्यक्ति जिसकी लाश दो दिन से पड़ी हुई है, प्रशासन अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठा रहा। स्थानीय लोगों ने बदबू आने पर प्रशासन को सूचित किया है। अब देखना ये है कि इस पर प्रशासन की तरफ से कोई बयान आता भी है या नहीं आता। धन्यवाद। सर मेरा नाम दिनीत कुमार तिवारी है, हम ग्राम उड़की पोस्ट मिल की थाना गोविंदगढ़ के अंतर्गत आते हैं। हम कल हम यहाँ सुबह मामा के यहाँ से आ रहे थे, हमारा मामा का यहाँ सनौरी है बीरखाम चौरा, वहाँ से आए हम यहीं पे उतर गए। कुछ दोस्त लोग हमारे फ़ोन किए थे कि आप आइएगा थोड़ा छोटी पुल के नीचे, हम लोग भी इधर से आए हैं तो अपना ठंडा संडा चाय पी के वापस हो जाएंगे। जब हम यहाँ पे आए तो ये बाड़ी पड़ी थी, तो हमने सोचा कि शायद मेंटल है कि कोई ज़्यादा नशा करा है। तो हम लोग ऐसे साइड से निकले तो वहाँ पे देखे तो उसकी सांस नहीं चल रही थी, तो हम लोग बाड़ी के ऊपर छुए नहीं और सभी बंदों को भगा दिए वहाँ से। फिर एक भैया को बोले कि फ़ोन करिए, अगर नगर निगम में या पुलिस स्टेशन में कहीं भी फ़ोन में बात अगर हो जाए तो आगे किसी का बंदा अगर है तो आगे पहचान सके तो पहचान जाए, नहीं कोई आगे कार्रवाई की जाए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, आगे तक कोई कार्रवाई नहीं आई। अभी दो पुलिस वाले आए थे, तीन, वो देख के चले गए हैं। कब से पड़ी है, कल से? ये कल सुबह से वाड़ी पड़ी है, 24 घंटा हो गया। हाँ, ऊपर हो गया 24 घंटे से। मेरा नाम राजभान है। आप यहीं रहते हैं? जी। ये जो वाड़ी पड़ी हुई है ये कैसे, क्या कहानी, कब आया ये? कल 10 बजे, 9:30 बजे करीब ये बस स्टैंड तरफ से आया है। हाँ, हम लोग यहाँ बैठे थे तो ये गया है, बैठा तो ये हमारे ख्याल से भूख के कारण इसकी मौत हो गई है। हाँ, ये क्या, ये खाना पीना इसको अभी है नहीं लग रहा है, नहीं होता तो कोई ले जाता इसको। अच्छा, ये दो दिन से प्रशासन भी यहाँ देखा होगा तो क्या अभी तक कोई नगर निगम? कोई नहीं आया था सर कल यहाँ, आज भी नहीं आया। आज वही जो पुलिस वाले आए थे वो। हाँ जी।